नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात। चुनाव में आप सबका स्वागत है। आज पहले दौर का मतदान है। गुजरात की 89 सीटों पर फैसला होना है और ये 89 सीटें पिछले 27 सालों से गुजरात में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर खलबली है। सौराष्ट्र की सीटें हैं, सौराष्ट्र और कच्छ को मिला लीजिए तो 54 सीटों का मामला है। सूरत में 16 सीटें हैं और इस तरह से जो पूरी 89 सीटें हैं, इनमें बड़े पैमाने पर खलबली है। खलबली की बहुत ठोस वजह है, सरकार से नाराजगी है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है उसने भी वोट पर असर डालने की कोशिश की है। असर कितना पड़ेगा यह तो तब पता चलेगा जब मतगणना होगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मोदी जी अपने चिर परिचित अंदाज में जिस समय सारा प्रचार इन 89 सीटों पर रुक चुका है, ठीक उस समय जब मतदाता जा रहा है वोट डालने, उस समय पूरे मीडिया पर छाए हुए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जिस तरह से रोड शो अहमदाबाद में किया, जिसमें योगी सहित तमाम लोग उतरे, यानी उनका प्रचार बदस्तूर जारी है। जिस तरह की परेशानी है भाजपा को, वह दिखा रही है कि इस बार का चुनाव उतना आसान नहीं होगा। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, पहले चरण की पोलिंग हो रही है, आपको क्या लगता है कि गुजरात में मुद्दे क्या हैं पहले चरण के? गुजरात में मुद्दे वैसे तो सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा पहले है, फिर वो सौराष्ट्र में पानी की दिक्कतें है और वो अभी क्या है, आम आदमी पार्टी भी आई है, एंट्री की है गुजरात में। तो अभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा में इन तीनों में टक्कर तो होने ही वाली है। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आएगी, ज्यादा आएंगी। पिछली बार उनके 99 आई थी, 100 से एक कम आई थी, वो इस बार क्या रहेगा? 100 पार कर जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा काम किया बीजेपी? ऐसा अच्छा काम किया सब मोदी का पहचान दे। एक बात है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अभी अपना देश का रिव्यू कैसा है हर जगह पे, फॉरेन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। आप कहाँ कहाँ गए हैं? कौन आप? मैं यहीं पे रहा हूँ, जम्मू से लेके कश्मीर आपका, तक। आपका नाम क्या है? जतिन पटेल। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। मोरदी पुल में गिरा और जो ठेकेदार था जिसने बदमाशी की वो भाग गया, वो पकड़ा नहीं गया, मोरबी पुल। हाँ, मोरबी पुल। मोरबी पुल में तो अपने को ऐसा कुछ मालूम है नहीं, बराबर, मगर प्रॉब्लम आपको आपको कश्मीर का मालूम है, आपको रशिया का मालूम है सर, आपको यूक्रेन का मालूम है। हाँ। गुजरात का आदमी जहाँ मरा वो नहीं मालूम, कैसे चलेगा? तो वो बात सही है मैम, एक बात है, वहाँ का अभी मैंने मुआयजा किया नहीं है, मैं गया नहीं हूँ। आप यूक्रेन में तो नहीं गए सर? कौन यूक्रेन गए ना, तो दिखाई तो देता है ना मैम, दिखाई तो देता है ना। गुजराती को गुजराती आदमी नहीं दिख रहा, ये अच्छा नहीं। गुजराती को डेवलपिंग ही अच्छा लगता है। पूरे वर्ल्ड में आप देखो, मोदी जी का जो अभी G20 में भी अपना यहाँ लाके हथौड़ी लाए, बराबर है। पूरे देश में देखो, अभी आप सिक्स लेन रोड देखो, राजकोट, पालनपुर। तो सवाल तो ये है कि यहाँ पर गुजरात में 94 से सरकार है, 27 साल हो गए, 27 साल तो 27 साल में तो काफी ठीक हो गया होगा। महंगाई महंगाई मुद्दा नहीं है, नौकरी की मुद्दा नहीं होगी तो? नहीं, वो तो है, वो तो हर साल बढ़ती जाती है, जो महंगाई है वो बढ़ती जाती है। उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? वो उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? वो तो ऐसे ही बता रहे, वो तो सब महंगाई बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, उसको वो अंकुश नहीं ला पा रहे हैं। फर्स्ट फेज का वोटिंग चल रहा है और गुजरात की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट शासन है पिछले 27 साल से, बेरोजगारी, महंगाई, तानाशाही और नौजवान जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें 15 से 17 बार पेपर फूटे हैं, वो सब देखकर आने वाले इस चुनाव में बदलाव की राह देख रही है। जी, आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ, ब्रोकरेज का काम करता हूँ प्रॉपर्टी। जी जी, आपको लगता है कि चेंज होगा? चेंज होगा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपुल छेवाला है जी। और मैं अभी पहले चरण का मतदान चल रहा है जी। हाँ, पहले चरण का तो ये मैम के इस बार गुजरात की जनता ने एकदम पूरी तरह मूड बना लिया है कि बीजेपी को हराना ही है। लेकिन मोदी जी का इतना जलवा है, पूरा रोड शो चल रहा है, मोदी जी का जलवा है बिल्कुल। वो तो आप और हम सब जानते हैं कि रोड शो कैसे होता है, लोग कहाँ से लाए जाते, भाड़े की भीड़ इकट्ठा की जाती है, आप और हम सब जानते हैं। आप कह रहे हैं गुजरात में भाड़े की भीड़ की जरूरत है मोदी जी को? ऐसे ही चलता है,
आप देखो जब से ये आचार संहिता लगी है मतलब तब से बसें नहीं जा रही है, गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर था उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो कोई भीड़ आ ही नहीं रही, एकदम कुर्सियां खाली दिख रही है सभी जगह। पहले भीड़ दिखती थी जब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लाया जाता था, अब कोई नहीं आ रहा है तो सब जगह कुर्सियां खाली ही दिख रही है। आप पिछली मोदी जी की कोई भी सभा उठाकर देख लीजिएगा। तो इस बार गुजरात की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। हाँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि मोरबी दुर्घटना हो, ये जो जहरीली शराब, लेकिन मोरबी मुद्दा तो है नहीं, मोरबी क्यों नहीं होना चाहिए, इनके भ्रष्टाचार होना चाहिए नहीं, लेकिन है तो नहीं ना, नहीं है। जनता जो है गुजरात की उसके अंडर करंट है, जनता को पता है कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को बचाने की कोशिश उसमें भी की जा रही, उनका FIR में भी नाम नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जब वेस्ट बंगाल में पुल टूटा तो वहां जाके ऐसा बोलते थे ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो यहाँ गुजरात में जो हुआ वो एक्ट ऑफ फ्रॉड ही है ना। PM को बार बार गुजरात की चुनाव में आना पड़ता है, PM को बार बार इतिहास में पहली बार ऐसा दफा हुआ है तो PM को खुद आना पड़ता है, दौरा करना पड़ता है, उनकी नींद हराम हो गई है। गुजरात की प्रजा ने आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया है, भरोसा किया है, जो भाजपा पे भरोसा किया 2002 में आप बात करते थे, उसी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को एक ही भलामन किया था, एक ही शिखामन दिया था कि आप राजधर्म निभाओ, राजधर्म निभाओ। लेकिन आज 2022 में क्यों जरूरत है? 2022 में जो उनकी नीति है नहीं चलने वाली, वो गाय के नाम पे मत लिया, राज कौमी तनाव पे नाप लिया और अंदर अंदर जातिवाद पे भटका के उसने मत लिया है, वो जादू अभी ओसर गया है, वो जादू अभी चलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। देखिए सौराष्ट्र में जो मुझे लगता है कि सौराष्ट्र सबसे पहले पानी से, गुजरात में सबसे कम पानी जो जाता है वो सौराष्ट्र और कच्छ में जाता है पहले से, और पूरा जो खेल पूरी जो राजनीति है वो नर्मदा के पानी के ऊपर खेली जा रही है। वो पिछली बार भी यही था, अभी भी आप प्रधानमंत्री के या गुजरात के मुख्यमंत्री भाषण सुन लो या उनके नारे सुन लो तो आपको वो नर्मदा का और पानी का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा अहम दिखेगा। उसके अलावा कम्युनल राजनीति तो करते ही करते हैं पर पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा है। अगर आप ग्राउंड पे जाइए तो जो सब कैनाल है वो नहीं बनी है किसानों के लिए जी। जो अरेबियन सी का खारा पानी है वो सौराष्ट्र में बहुत अंदर तक आ चुका है, तो किसान तो ऑलरेडी बर्बाद है। अब पूरा जो ये इलेक्शन का माहौल है उस टाइम पे मोरबी का हादसा होना या बिल्किस के आरोपियों को छोड़े जाना, ये सारे इश्यू जो है चर्चा में है, पर ग्राउंड पे आप जाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा असर नहीं कर रही है। मतलब मोरबी का हिस्सा है एक सेंसिटिव, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है सौराष्ट्र के मरे मोरबी में, जो 200 से आसपास लोग मरे वो सौराष्ट्र में उनकी डेथ हुई, तो आप सौराष्ट्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई गाँव में आपको जो मरने वालों के उनके रिलेटिव मिल जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि भाई सरकार ने इसके लिए साफ साफ सरकार जिम्मेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो विदेश भाग गया, मजदूरों को आपने ट्राइबल दो मजदूरों को पकड़ लिया या दलितों को पकड़ लिया, तो वो पूरा एक एंटी इनकम्बेंसी है। रोजगारी का अपना सवाल है सौराष्ट्र में। मैं यहाँ आप दर्शकों को बता दूं कि हम सौराष्ट्र और कच्छ की जो बात कर रहे हैं, सौराष्ट्र में 54 सीटें हैं तकरीबन अगर कच्छ और उसको मिला लें, और इसमें से 30 सीटें कांग्रेस के पास पिछली बार थी, यानी कांग्रेस का अहम गढ़ था ये, वहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे उसने अपना जनाधिकार पाया था, लेकिन जो बड़े नेता रहे सौराष्ट्र के वो इस समय नहीं है। भाजपा ने काफी इनरोड किया है और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, वो किसके वोट काट रही है और कितने वोट काट रही है? शुरुआती पीरियड मतलब पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि जो सौराष्ट्र में 2017 में जो कांग्रेस के नेता बड़े वाले जीते थे, वो कोली कम्युनिटी से हो पाटीदार कम्युनिटी से हो, उनको बाय हुक एंड कुक जो है बीजेपी डरा के अपनी पार्टी में लेके गई और मंत्री भी बनाए थी, और उसमें से तकरीबन 17 जो है ओवरऑल चले गए भाजपा, तो मंत्री भी बनाए उनको। पर ऐसा है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हम जिनको वोट करते हैं वो चले जाते हैं और हमारा वोट जो है वो बेकार चला जाता है, मतलब हम नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी में यही मुद्दा भी यही है, मुद्दा भी यही है, वो कांग्रेस को यही कहती है कि कांग्रेस बिक जाएंगे और ये बिल्कुल बीजेपी में। तो कांग्रेस मतलब अरविंद केजरीवाल जब शुरुआती पीरियड में यहाँ पे आए 5-6 महीना पहले जब वो एक्टिव हुई आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने फोकस जो किया था वो सूरत और कुछ सौराष्ट्र का हिस्सा और जहाँ कांग्रेस के सीटें थी वहां पे ज्यादा किया था। और शुरुआत में ये भी लग रहा था, मतलब सारे पॉलिटिकल एनालिसिस हो चाहे सारे कांग्रेस के लीडर हो बीजेपी के लीडर हो, कि आम आदमी पार्टी जो है वो बी टीम की तरह, बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और कांग्रेस के वोट काटेगी। बट अब जो है ये लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोट नहीं काट रही है,
अब वो कांग्रेस के भी उतने ही वोट काट रही है और बीजेपी के शायद उससे ज्यादा काट रही है। इसीलिए बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर है। दोस्तों, न्यूज क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट में हम कोशिश करते हैं उन बुनियादी सवालों को उठाने की जिन पर चर्चा बहुत कम है, और हमारा यह मानना है कि इन सवालों पर ही लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, मतदान होना चाहिए, सरकारें बननी चाहिए। दुख की बात है कि जिस तरह से मीडिया सहित पूरे चुनावी प्रचार को पैसे से ढक दिया गया है, शो दर शो हो रहे हैं, उसमें जनता के बुनियादी सवाल कहीं दब जा रहे हैं। गुजरात चुनाव इसलिए अहम है 2022 का, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि गुजरात की जनता जिन मुद्दों पर परेशान है, क्या वाकई जब वह वोट डालने जाती है तब उन मुद्दों के बारे में सोचती है, या जो प्रचारित मुद्दे हैं जैसा आपने सुना देखा, चाहे वो इजराइल का मसला हो, चाहे वो यूक्रेन युद्ध का मसला हो, या फिर कश्मीर का मसला हो, विश्व गुरु बनने का मसला हो, ये सारे मुद्दे जिस तरह से दिमाग पर हावी हैं, मतदाता को प्रभावित कर रहे हैं, और उस पर जिस तरह से मोदी और भाजपा की जीवन से बड़ी छवि मतदाताओं के ऊपर थोपी जा रही है, उसमें लोकतंत्र की अंतिम घंटी बज रही है।